क्लास 10 ज्योग्राफी 8th लेसन सेकेंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिया और ब्राज़ील की GNI ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में और अलग अलग सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ GDP एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्राज़ील में और इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरिया में एग्रीकल्चर होता है, कहाँ कहाँ पे माइनिंग होता है, फिशिंग कहाँ कहाँ पे होता है और मेजर इंडस्ट्रीज वगैरह कहाँ पे है। पेज नंबर 54 पे आप देखो वहाँ पे ब्राज़ील का मैप है, मैप रीड करना है आपको। इसमें इंडेक्स में आप आओ, इंडेक्स में एग्रीकल्चर और माइनिंग का है, बहुत सारी चीज़ें दिया है, उसके सिंबल्स हैं, जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी का सिंबल अलग है, राइस है, कॉर्न है, शुगर केन, कोको, रबर, बनाना, ऑरेंज, सोयाबीन, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का वो मैप पे मार्क किया हुआ है कि कौन कौन से जगह पे हो रहा है। उसके बाद नीचे आप देखोगे उसके नीचे माइनिंग, माइनिंग में मैंगनीज, बॉक्साइट, आयरन और कोल, वो कौन कौन से एरियाज़ में होते हैं मैप पे मार्क किया हुआ। फिर उसके नीचे एनिमल हस्बेंड्री है, एक काउ का एक फोटो बना हुआ है, तो एनिमल हस्बेंड्री कौन कौन से एरियाज़ में होते हैं। फिशरीज़ जो है, मतलब फिशिंग कहाँ कहाँ पर होता है ब्राज़ील में, वो है। सबसे नीचे वाला जो इंडेक्स है वो देखोगे ओशन करंट, मतलब ओशन का जो वेव्स आते हैं, करंट आते हैं, कौन से डायरेक्शन में आते हैं, तो वो दिया हुआ। तो इन जो इंडेक्स में जो सिंबल्स हैं, जो साइंस हैं, उसको आप ध्यान से देखोगे तो ये आप कर पाओगे। इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इन ब्राज़ील एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाईलैंड्स एंड कोस्टल एरिया। तो आप मैप भी जब देखोगे तो कोस्टल एरियाज़ में ही ज़्यादा करके कॉन्सेंट्रेटेड है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, मतलब कॉफ़ी से लेके राइस वगैरह ये सब देखो तो उसी तरफ है, जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में और हाईलैंड्स में। नीचे सेंट्रल ब्राज़ील में कॉन्सेंट्रेशन कम है थोड़ा, और जो नॉर्थ ब्राज़ील है वहाँ पर भी कम है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली पॉपुलेशन ही बहुत कम है नॉर्थ ब्राज़ील में, नॉर्थ और ईस्ट ब्राज़ील में। फेवरेबल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी मेक इट पॉसिबल फॉर ग्रोइंग अ वराइटी ऑफ क्रॉप्स। तो अच्छे क्लाइमेट है और टोपोग्राफी, मतलब जो लैंड है, लैंड का जो लेवल है उसके हिसाब से इट मेक फेवरेबल कंडीशन पॉसिबल फॉर ग्रोइंग वराइटी ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग टाइप के क्रॉप्स यहाँ पर होते हैं। राइस एंड मेज आर द मेन सीरियल क्रॉप्स। तो यहाँ पर राइस और मेज आप देखो तो ये सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, और मेज एंड कॉर्न जो है वो एक ही चीज़ होती है। तो आप यहाँ पे देखो बहुत सारी जगह पे कॉर्न हो रहा है और बहुत सारी जगह पे राइस हो रही है। वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मेज इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल ब्राज़ील में देखो वहाँ पे मेज का प्रोडक्शन ज़्यादा है। कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, कोको, रबर, सोयाबीन एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। इसके अलावा ये जो है वो सीरियल क्रॉप्स हैं, मतलब जो लोग खाने में यूज़ करते हैं, इसको कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं जिसको ज़्यादा करके बेचते हैं, जैसे कॉफ़ी है, कोको, रबर, सोयाबीन एट्सेट्रा और शुगर केन, तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी एंड सोयाबीन इन वर्ल्ड। तो कॉफ़ी और सोयाबीन का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इसको आप मार्क कर लो, ये फिलिप्स में पूछते हैं कॉफ़ी और सोयाबीन का। द मेजर स्टेट ग्रोइंग कॉफ़ी आर मिनास जिराइस एंड साओ पाउलो। बिसाइड दीज क्रॉप्स प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स इज ऑल्सो डन। तो इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं, बनाना से लेके दूसरे सिट्रस फल जैसे पाइनएप्पल, ऑरेंज, ये सब भी होता है। कैटल, शीप एंड गोट्स आर ऑल्सो रेड इन सवाना ग्रास लैंड इन द साउथ। साउथ ब्राज़ील में अब जब आओगे जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास का एरिया है ब्राज़ील में, वो सवाना है, मतलब वहाँ पे ग्रासलैंड है बड़े बड़े, तो वहाँ पे कैटल रेयरिंग होता है, मतलब लोग कैटल्स को पालते हैं। कॉन्सिक्वेंटली मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। तो जो सवाना के आसपास का एरिया है वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन भी होता है और मीट प्रोडक्शन भी होता है इसका। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं वहाँ पे जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो माइनिंग में द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज रिच इन वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स। तो ब्राज़ील का जो ईस्टर्न पार्ट है
मतलब ईस्ट ब्राज़ील जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे मिनरल्स बहुत है, आयरन ओर्स, मैगनीज, निकल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड एक्सेट्रा. इन एक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्व ऑफ रिसोर्सेज, डेंस फॉरेस्ट एटसेट्रा आर फैक्टर्स विच हैव लीड टू लिमिटेशन इन माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री. तो मिनरल्स में बहुत रिच है ब्राज़ील, लेकिन यहाँ पे माइनिंग का जो एक्टिविटी है बहुत कम हो रहा है, क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट में बेसिकली जो मिनरल्स हैं वो ईस्टर्न ब्राज़ील में है, लेकिन वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है. इनएक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस नहीं है आसानी से जाना, और कहाँ कहाँ पर है मतलब माइनिंग रिसोर्सेज मतलब मिनरल्स वो भी नहीं पता है ठीक से, डेंस फॉरेस्ट है, तो इसकी वजह से जो माइनिंग का जो एक्टिविटीज़ है वो लिमिटेड है. Nevertheless, because of increasing demand in the country, mining work has developed well in the highland region. तो ईस्ट ब्राज़ील में बहुत सारे माइन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बट लेकिन जो माइनिंग एक्टिविटी है वो जनरली हाईलैंड्स में है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पे जाना आना आसान है, तो जो डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए जो हाईलैंड वाला पार्ट है वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होती है. नेक्स्ट में ब्राज़ील का है फिशिंग. फिशिंग एक्टिविटी आप जब मैप में देखोगे तो नॉर्थ ब्राज़ील में नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से तरफ देखो आप, नॉर्थ और वेस्टर्न साइड में, तो वहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास से देखो कोस्टल एरियाज में, और साउथ ब्राज़ील में साउथ वेस्ट के एरिया में जो नीचे है देखें यहाँ पे फिश के जो सिंबल बने हुए हैं, तो मतलब वहाँ पे फिशिंग की एक्टिविटी करते हैं. तो ब्राज़ील हैज़ अ सी कोस्ट ऑफ अराउंड 7,400 किलोमीटर एंड एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द साउथ अटलांटिक कोस्ट. तो साउथ अटलांटिक कोस्ट में बहुत ज़्यादा फिशिंग करते हैं, और इसका एक्चुअली हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि ब्राज़ील का जो कोस्टल एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, 7,400 किलोमीटर. द मीटिंग ऑफ वार्म ब्राज़ील करंट एंड द कोल्ड फॉकलैंड करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ब्राज़ील मेक्स इट अ गुड फिशिंग ग्राउंड. तो ब्राज़ीलियन करंट और कोल्ड करंट, जो वार्म वाटर और कोल्ड वाटर जहाँ पे मिलते हैं जिस एरिया में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिश होते हैं, तो उस एरिया में फिशिंग करना बहुत ही मतलब ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ पे. तो वो आप देखो साउथ ब्राज़ील में जो दो टाइप के करंट मिल रहे हैं, एक नॉर्थ की तरफ से आ रहा है, एक साउथ की तरफ, जो वहाँ उस एरिया में फिशिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं. Traditionally, fishing has been carried on by small group of individual fishermen using primitive techniques and equipment. But now, large vessels are being used. तो पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में फिशिंग करते थे, और जो प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले के जो चलते आ रहे जो टेक्निक है वही यूज़ करते थे, बट नाउ लार्ज वेसल्स आर यूज्ड, बड़े बड़े वेसल्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं फिशिंग के लिए वो जाते हैं पानी में. सॉल्ट फिश, श्रिम्प, लॉबस्टर, सार्डिन्स आर मेनली कॉट. तो ये जो फिश का नाम है वो ज़्यादा करके वहाँ पे ब्राज़ील के कोस्टल एरियाज में मिलते हैं. द फिश रिसोर्सेज ऑफ अमेजोन रिवर आर नॉट एक्सप्लॉयटेड मच एंड फिशिंग ओनली टेक्स प्लेस एंड स्मॉल स्केल. तो जो अमेजोन रिवर है, अमेजोन रिवर में वाटर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फिशेज भी बहुत ज़्यादा है उस रिवर में, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि अमेजोन रिवर के जो एरिया है, जो नॉर्थ ब्राज़ील का एरिया, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है ज़्यादा, इनएक्सेसिबल एरिया, जा नहीं सकते ज़्यादा, डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए अमेजोन रिवर में अभी तक उतना एक्सप्लॉयट नहीं किया गया फिशिंग को, सिर्फ छोटे स्केल पर करते हैं वो सब काम. अब आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 56 पे आओ, वहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया. तो जैसे ब्राज़ील का मैप दिया था तो इंडिया का मैप नहीं दिया है, यहाँ पे आपको लिखा है ट्राई दिस, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, ज्वार, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी एंड एप्पल इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया यूजिंग सिम्बॉल्स, नेम द मैप. तो ये आपको खुद एक्टिविटी करनी है. तो मैंने बेसिकली क्या किया कि जो डाइजेस्ट में था उसका फ़ोटो लगा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए. लेकिन ये सब मैम जो है ना आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब आता है ट्राई करने के लिए, कहीं कहीं पे आपको शो करना पड़ता है. तो अभी हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दोनों मैप में लगा देता हूँ. एक जो है जो मेन यहाँ पे इंडिया के सीरियल्स या जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन का, ज्वार, वीट और राइस वाला. सेकंड जो इंडिया का जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जैसे टी हो गया, एप्पल हो गया, शुगर केन, कॉटन, उसका मैं
तो अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। अनलाइक ब्राजील, इंडियाज एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स जीडीपी एंड ऑल्सो एंगेज अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन। तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि इंडिया का जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, अराउंड 49% पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। अराउंड 60% ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टिवेशन। तो इंडिया का जो टोटल लैंड है उसका 60% लैंड जो है इंडिया का वो कल्टिवेशन होता है वहाँ पे। इट्स इनॉर्मस एक्सपेंस ऑफ लेवल प्लेन रिच सॉइल हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड वाइड क्लाइमेटिक वराइटी लॉन्ग ग्रोइंग सीजन एटसेट्रा प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू एग्रीकल्चर। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो सॉइल है और वाटर की अवेलेबिलिटी है, प्लेन्स है इंडिया में जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, तो इसकी वजह से इंडिया में क्लाइमेटिक फैक्टर वगैरह सब मिला के आप देखो तो ये फूड के लिए या एग्रीकल्चर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है इंडिया। इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी। तो बहुत एंशियंट टाइम से ही एग्रीकल्चर इंडिया की जो मेन एक्टिविटी रही है। इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली सब्सटेंसेस टाइप। इंडिया प्रोड्यूसेस राइस, वीट, मेज, शॉर्गम एंड मिलेट्स एज मेजर फूड क्रॉप्स। प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी, रबर एंड कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, जूट एटसेट्रा आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। इंडिया इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इंडिया में बहुत टाइप के फ्रूट ग्रेन्स होते हैं, राइस, वीट, मेज और दूसरे टाइप के मिलेट्स में, और इसके अलावा रबर, कॉफी, टी जैसे प्लांटेशन वाले होते हैं जो इसको कैश क्रॉप बोलते हैं, शुगर केन, कॉटन, जूट, ये सब भी इंडिया में बहुत प्रोड्यूस होते हैं। और फिशिंग इन इंडिया, फिशिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश बोथ मरीन एंड इनलैंड। फिशरीज हेल्प इन ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, राइजिंग न्यूट्रिशनल लेवल एंड अर्निंग फॉरन एक्सचेंज। तो इंडिया में फिशिंग एक मेन इकोनॉमी एक्टिविटी है। तो यहाँ फिशिंग से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, फूड सप्लाई मिल रहा है और न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि फिश में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, तो उसको जब खाते हैं तो न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ रहा है इंडियन पॉपुलेशन का, और इसको एक्सपोर्ट करके फिशेज को फॉरेन एक्सचेंज भी या फॉरेन मनी भी हमें मिलती है। फिश फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ मेनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उन स्टेट में रहने वाले लोगों के डाइट का मेन पार्ट है फिश। इंडिया हैज़ अबाउट 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। लाइक ब्राज़ील, इंडिया का भी जो कोस्ट लाइन है बहुत बड़ी है, तो 7,500 किलोमीटर की है। मरीन फिशिंग अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40% ऑफ टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड बींग कन्फाइंड टू कोस्टल वाटर इन वेस्ट फ्रॉम कच्छ, मलबार कोस्ट टू कोलामंडलम कोस्ट इन द ईस्ट। मेजर फिशेज आर सार्डिन, मैकेरल, बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स। तो फिशरीज जो एक्टिविटीज है 40% जो है वो मरीन फिशिंग इंडिया में होती है, और 60% जो होता है इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग मतलब जो इंडिया के रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं या फिर जो बड़े बड़े लेक्स हैं, तो वहाँ पे फिशिंग 60% एक्टिविटी होती है। और इंडिया का जो कच्छ है, मलबार है या कोलामंडलम कोस्ट, जो वहाँ पे सार्डिन, मैकेरल, बॉम्बे डक और प्रॉन्स ये मेन फिश होती है वहाँ पे। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट द इम्पोर्टेंट फिशेज आर हॉर्स मैकेरल्स, क्लूपेट्स एंड सिल्वर बेलीज। तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, जो बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ कोस्ट एरिया है, वहाँ पे ये फिशेज होती है। फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड ऑन इन रिवर्स, कैनल्स, इरीगेशन चैनल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा। तो इंडिया के जो 60% जो फिशरी फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं वो इनलैंड है। तो इनलैंड में जो बड़े बड़े रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, या इरिगेशन के लिए जो बड़े बड़े चैनल्स बनाए गए हैं, तो वहाँ सब में होती है। सिल्वर बेली कैप्स, चोपड़ा एटसेट्रा आर मेजर फ्रेश वाटर वराइटीज़। तो सिल्वर वैली कार्प्स, उसका नाम है चोपड़ा फिश, वो मेजॉरिटी मिलती है जो इनलैंड फिशिंग में। अबाउट 60% ऑफ कंट्रीज टोटल फिश प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इनलैंड फिशरीज। तो 60% जो है वो इनलैंड फिशरीज से मतलब जो फिशिंग एक्टिविटी होती है इंडिया में। नेक्स्ट, माइनिंग इन इंडिया। छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया इज़ अ बिग
स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो छोटा नागपुर प्लेटू है जो झारखंड में और झारखंड में उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ पार्ट में यहाँ पे आता है। तो बेसिकली झारखंड में है मेन उसका। तो उस एरिया में छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिया में। कोल इज माइंड इन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का एक एरिया है कोरबा और ईस्टर्न महाराष्ट्र जो नागपुर से और ईस्ट की तरफ है, तो वहाँ पे ज़्यादा करके कोल होता है, कोल का माइनिंग करते हैं। मिनरल ऑयल वेल्स आर फाउंड इन डिगबोई इन असम, मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र, कलोल एंड कोयली इन गुजरात। तो जो मिनरल ऑयल्स है, जो पेट्रोल डीजल वो सब है, तो इंडिया ज़्यादा करके तो इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है अपने नीड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन इंडिया में भी इनका प्रोडक्शन होता है। वो प्रोडक्शन होता है असम में, ऑयल वेल्स मिलते हैं, ऑयल वेल्स हैं डिगबोई एक जगह है असम में, वहाँ पे। मुंबई हाई है अरेबियन सी में, महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन में, वहाँ पे होता है। और गुजरात की दो जगह हैं कलोल और कोयली, वहाँ पे भी मिनरल ऑयल्स मिलते हैं। रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड एट द माउथ ऑफ रिवर गोदावरी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एरिया जो है, जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर जाती है, तो गोदावरी रिवर के माउथ पे, वहाँ उसके रिवर के माउथ पे मिनरल ऑयल का और नेचुरल गैस का रिसोर्सेस मिला हुआ है और उसको भी वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोन लाइक मार्बल्स आर फाउंड इन राजस्थान एंड कड़प्पा इन आंध्र प्रदेश। मार्बल जो होता है, हम लोग के घर में जो मार्बल की चीज़ें लगाते हैं, वो मार्बल जो वाइट मार्बल या रेड मार्बल या जो मार्बल, तो राजस्थान में होता है। या फिर वो ब्लैक मार्बल जो कड़प्पा वगैरह बोलते हैं, वो आंध्र प्रदेश में एक जगह है कड़प्पा, तो वहाँ पर होता है। तो ये इंडिया का माइनिंग हो गया। तो इंडिया का एग्रीकल्चर, फिशिंग एक्टिविटीज़ और माइनिंग हमने देखा। और ये जो दो है इंडिया का, जो जवार राइस कॉटन वीट का और शुगर केन टी और एप्पल का, तो ये मैप में भी है, वो आप ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं? मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल असेंबली, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोडक्शन एंड सीमेंट मेकिंग। टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव बीन मोस्ट डायनेमिक इन रिसेंट ईयर बट हैव नॉट आउटप्लेस्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो ब्राज़ील में आजकल जो, मतलब जो लेटेस्ट वहाँ पे चल रही है, वो आयरन स्टील प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, केमिकल, सीमेंट मेकिंग, ये सब जो नई जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो सब आ रहे हैं आजकल। बट वहाँ पे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मतलब होता है जैसे शुगर मिल है, कॉटन मिल है, तो वो सब पहले के फूड प्रोसेसिंग चीज़ें हैं। तो फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड वेल। तो ब्राज़ील में ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आजकल नए इंडस्ट्रीज में तो ये सब आया, आयरन स्टील, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं वो भी दे हैव ऑल्सो वेल डेवलप्ड। मोस्ट लार्ज इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। तो जैसे ब्राज़ील का पॉपुलेशन या ब्राज़ील में एग्रीकल्चर या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी साउथ ब्राज़ील में ही है, साउथ ब्राज़ील या साउथ ईस्ट में। द नॉर्थ ईस्ट इज ट्रेडिशनली द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील बट इट इज़ बिगनिंग टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट। जो ब्राज़ील का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट या नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पे अगर आप देखो तो इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से वो बहुत ही पुअर जगह है, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, लेकिन आजकल वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ जाने लगे हैं। तो मूव करते हैं पेज नंबर 57 पे, इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। यहाँ पे फिगर 8.4 है, लोगोस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। तो इंडिया की अलग इंडस्ट्री के लोगो दिया है। ये सब ज़्यादा करके गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, तो इनका लोगो होता है। तो लोगो ध्यान देना कि किस टाइप के इंडस्ट्रीज़ हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ हाईली अनइवन। दिस इज सो पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड पावर रिसोर्सेज एंड पार्टली ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेज
फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर नेसेसरी कंडीशंस इन लार्ज टाउन। तो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है, मतलब इंडिया के किसी पार्ट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और किसी पार्ट में बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे एक है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और पावर रिसोर्सेज में इलेक्ट्रिसिटी पावर की ज़रूरत होती है, तो वो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पर रॉ मटेरियल होता है वहाँ पर इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पर कहीं कहीं पर रॉ मटेरियल तो है बट वहाँ पर पावर अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं लगती, थोड़ा दूर लगती है। और इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एक रीज़न है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े सिटीज़ हैं या बड़े टाउन्स हैं उसके आसपास उसके नियर बाय बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लोकेट होती हैं। झारखंड ओडिशा एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश पार्ट ऑफ राजस्थान कर्नाटक एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। तो इंडिया में मेटेलिक मिनरल्स इन स्टेट्स में होता है, झारखंड ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटक तमिलनाडु। दिस देयरफॉर पर्टिकुलरली द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला हैज़ अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज विथ ऑलमोस्ट ऑल द स्टील सेंटर्स सिचुएटेड हियर। तो जो इंडियन पेनिनसुला, इंडिया का जो बीच का पार्ट है पेनिनसुला में, वहाँ पर उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट मतलब थोड़ा ऊपर और ईस्टर्न साइड में, वहाँ पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं मेटल से रिलेटेड वो वहाँ पर सिचुएटेड है। availability of large quantity of coal and refractory materials along with cheap power from Damodar Valley Corporation and number of thermal power project had added to the advantage। तो जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट वाला है, मतलब इंडिया का नहीं, जो इंडियन पेनिनसुला है, इंडिया का मतलब सेंट्रल इंडिया का, मतलब झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, तो वहाँ पर दामोदर वैली है, वहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत मिलती है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी वहाँ पर है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। राजस्थान हैज़ कॉपर लीड एंड जिंक, कर्नाटक हैज़ स्टील मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम एंड तमिलनाडु हैज़ एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज। तो राजस्थान में कॉपर लीड जिंक की इंडस्ट्रीज हैं और कर्नाटक में स्टील मैंगनीज एल्यूमिनियम की और तमिलनाडु में एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स कॉटन जूट एंड शुगर आर हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड इन द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया। अब जैसे कॉटन का है, जूट या शुगर, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल वाले एरिया है जहाँ पे इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर में, तो उसी के आसपास इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पेपर प्लाईवुड मैचेज रेजिन एंड लैक आर इंक्रीजिंगली फाइंडिंग कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ जिस इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है, तो उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट के एरिया के आसपास है। द कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला हैज़ अ हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉयर खोपरा एंड फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज। तो केरला में कॉयर जो नारियल का इसका निकालते हैं पूरा बाल सब कॉयर वाला, उसकी इंडस्ट्रीज हैं खोपरा जो नारियल है और फिश की, ये सब इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। कोयली दिगपोई नोनमाटी एंड बोंगाईगांव रिफाइनरीज आर सिचुएटेड क्लोज टू पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड मथुरा एंड बरौनी रिफाइनरीज इन द इंटीरियर अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया। जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, जैसे असम में था दिगबोई में ऑयल वेल्स हैं, तो वहाँ पे दिगबोई में, कोयली गुजरात में है, नूनमाटी भी असम में है और बोंगाईगांव भी असम में, तो वहाँ पे रिफाइनरीज हैं जो पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस करते हैं, जो उसको वेल से निकालते हैं, उसको रिफाइन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए वो इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा मथुरा और बरौनी जो हैं वहाँ पे कोई बहुत बड़ा माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती है इसके आसपास, लेकिन वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज ऑल्सो हाईली कंडीशनड बाई अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं वो वहाँ पे भी, जहाँ पे रॉ मटेरियल है, जहाँ पे छोटे मोटे मतलब स्टोन से बनते हैं बेसिकली सीमेंट, तो जो थोड़ा पहाड़ वाला एरिया है तो वहाँ पे ये सब है, हिली एरियाज में सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं। गुजरात राजस्थान एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस द बल्क ऑफ सॉल्ट इन कंट्री, और सॉल्ट के प्रोडक्शन में गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु, तो यहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्रीज विद शो लिटिल बायस फॉर रॉ मटेरियल हैव कम अप ऑल ओवर कंट्री
विथ हैवियर कॉन्सेंट्रेशन नियर द बिग सिटीज। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें रॉ मटेरियल का कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मतलब जो ज़रूरत होती है बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो वो जो मेजर सिटीज़ हैं उसके मतलब उसके अराउंड उसके नियर बाई सिचुएटेड हैं। ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अभी पेज नंबर 58 और 59 के दो रह गए, जो हम लोग 9th चैप्टर शुरू करेंगे तो उसी साथ ले लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, तो यहाँ तक ही देखो आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रेड का देखेंगे कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, ब्राज़ील कितना एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों कितना होता है। इसके अलावा ब्रिक्स क्या है, जो यूनियन बना हुआ है और कुछ कंट्रीज़ का और 5 कंट्रीज़ का, वो क्या है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर 9 के साथ।